ये धरा जब कंस जैसे आतताइयों के आतंक और अत्याचारों से पीड़ित हो गई, जब इस धरती पर धर्म की हानि होने लगी, तब भगवान विष्णु से सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की पृथ्वी को बचाने और देवताओं के सम्मान की रक्षा करने के लिए। तब द्वापर के अंतिम चरण में कृष्ण के रूप में विष्णु ने देवकी और वसुदेव के पुत्र रूप में जन्म लिया। चतुर्भुज विष्णु नारायण का अवतरण पृथ्वी पर माता देवकी के गर्भ से हुआ। देवकी और वसुदेव जानते थे कि आकाशवाणी के अनुसार उनका आठवां पुत्र कंस का काल होगा और कंस उसे भी समाप्त करने का प्रयास करेगा, जैसे कि उसने पहले 6 पुत्रों का वध कर दिया। परंतु इस 8वीं संतान के अद्भुत रूप को देखकर देवकी और वसुदेव मंत्र मुग्ध से रह गए। भगवान विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन देते हुए अपने अवतरण का मुख्य उद्देश्य बताया और फिर बालक रूप धारण करते हुए कहा कि मुझे शीघ्र ही नंद महाराज के यहां गोकुल ले जाएं। हे यमुने, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है जो आप क्रोधित हो इस तरह से मेरा मार्ग रोक रही हैं? प्रणाम वसुदेव महाराज। हे यमुने, कृपया मुझे मार्ग दे, मुझे अतिशीघ्र गोकुल में नंद महाराज के यहाँ पहुँचना है। जैसी आपकी आज्ञा वसुदेव जी।
हे प्रभु, वसुदेव को इतना विलंब क्यों हो रहा है? देवगणों के अनुसार तो उन्हें अपने आठवें पुत्र को लेकर अब तक आ जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंस के सिपाहियों ने उन्हें? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। जब सब कुछ देवताओं ने स्वयं निर्धारित किया है तो फिर लो, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आपको विलंब होता देख मैं तो भयभीत हुआ जा रहा था। प्रभु की माया प्रभु ही जाने, लीजिए संभालिए। सुंदर अद्भुत रूप है इस बालक का, अद्भुत। अब इस बालक की रक्षा का दायित्व आप पर है। आप निश्चिंत रहें। वो तो मैं हूँ, क्योंकि आप अपनी इस नन्ही सी पुत्री को मेरे हाथों में सौंप रहे हैं, ये जानते हुए भी कि संभवतः कंस इसकी भी हत्या कर सकता है। ऐसे में आप पर शंका करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आपके इस त्याग को संसार सदैव स्मरण रखेगा। एक महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं भी निमित्त बन रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस बालक को अपने हृदय से लगा कर रखूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। भोर होने से पहले मुझे कारागृह वापस भी पहुँचना है। जी। हे प्रभु, वसुदेव मेरे पुत्र को नंद और यशोदा को सौंप कर अब तक वापस नहीं आए। अब तो भोर होने में अधिक समय भी शेष नहीं रहा। ऐसा ना हो कि उनके आने से पहले महल और कारागृह के सिपाहियों की नींद खुल जाए और वह आकर मेरे भाई कंस को। हाँ, आ गए आप, कितना विलंब कर दिया। ये कितनी सुंदर कन्या है। हाँ, कितनी सुंदर है। इस बच्चे से अधिक मोह ना करो देवकी, क्योंकि जैसे ही कंस को इसके जन्म का समाचार मिलेगा वैसे ही वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए कि अभ्राता कंस इतना भी नहीं समझेंगे कि एक अबोध कन्या उनका काल कैसे हो सकती है। अरे अरे, देवकी ने आठवीं संतान को जन्म दे दिया। हाँ पता है, परंतु इस बार पुत्र नहीं पुत्री का जन्म हुआ है। अच्छा, क्या कन्या जन्मी है? जी महाराज। आश्चर्य, तो क्या ये कन्या अपने छह नवजात भांजों की हत्या करते हुए जब कंस के हाथ नहीं कांपे, तो इसे कैसे जीवित छोड़ देगा वो, जबकि इसी आठवीं संतान की प्रतीक्षा थी उसे। परंतु ये भी तो सोचिए, ये पुत्र नहीं पुत्री है। पुत्री हो या पुत्र, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। विष्णु के माया जाल में कंस नहीं फंसेगा। लाओ तो मुझे मेरा काम। नहीं नहीं भैया, भैया नहीं, ऐसा अत्याचार मत करो भैया, ऐसा अत्याचार नहीं। आज मैं तुम्हारे विष्णु को बताता हूँ कि काल को काल कलवित कैसे किया जाता है। ये घोर पाप करके अपने आप को और अपने वंश को कलंकित मत करो। देखो वसुदेव अपने काल का सर्वनाश कैसे करता हूँ। ये क्या माया है? माया नहीं, तेरी नियति है। कौन हो तुम? मैं हूँ योग माया। तो तुम हो मेरा काल, तुम्हें भेजा है विष्णु ने एक महिला को मुझे मारने के लिए। उसे स्वयं मेरे सम्मुख आने से भय लगता है। सावधान कंस, विष्णु की शक्तियों पर शंका मत करो। श्री नारायण विष्णु की लीलाओं का परिहास करने वाले अधर्मी कंस
मेरा काल तो तेरे ही राज्य में जन्म ले चुका है। क्या? मेरा काल जन्म ले चुका है? अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। नारायण नारायण। जमुना के घारे वर्षों तक प्रतीक्षा की, अपनी बहन को इतना प्रताड़ित किया, छह अबोध शिष्यों की हत्या की, फिर भी मेरे हाथ से बच गया। ये मेरी पराजय है, ये सब उस विष्णु की माया है। परंतु मैं पराजित नहीं होऊंगा, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। क्या कहा था उस मायावी योग माया ने, मेरा काल मेरे ही राज्य में जन्म ले चुका है। ठीक है, मैं भी देखता हूं कि अब वो कितने दिन जीवित रहता है। पूतना! आदेश कीजिए महाराज। पूतना, मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। ये मेरा सौभाग्य है कि मथुरा के राजा ने मुझे इतना सम्मान दिया। पूतना, आज मथुरा के राजा और तुम्हारे भाई कंस के सम्मान पर आघात हुआ है, जिससे मैं अत्यंत व्यथित हुआ हूं।
मुझे अवसर दीजिए कि मैं आपकी व्यथा, आपकी चिंता दूर कर सकूं। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये तो तुम्हें ज्ञात ही होगा कि देवकी ने 8वीं संतान के रूप में पुत्री को जन्म दिया है। जी हाँ, यही तो आश्चर्य की बात है कि देवकी को 8वीं संतान के रूप में पुत्र को जन्म देना था। आकाशवाणी वो सब उस विष्णु की माया थी। देवकी की 8वीं संतान पुत्र रूप में मथुरा से अन्यत्र कहीं जन्म ले चुकी है। क्या? हाँ। तो ये है आपकी चिंता का कारण। मैं चाहता हूँ कि मथुरा, वृंदावन, गोकुल और आसपास के सभी गांवों में पिछले दिनों जितने भी शिष्यों ने जन्म लिया है उन्हें समाप्त कर दिया जाए। आपने तो मुझे काम नहीं खेलने के लिए कह दिया है। मैं जानता हूँ नवजात शिष्यों को मारने की कला में तुम निपुण हो, इसीलिए मैंने ये काम तुम्हें सौंपा है। जाओ, जाकर सभी नवजात शिष्यों को मार डालो। जैसी आपकी आज्ञा। जल्दी उठ गया। डायन आई है जो अबोध बच्चों के प्राणों की प्यासी बनी हुई है। ठीक कहती हो बहन, मथुरा, वृंदावन, बरसाना और आसपास का कोई गांव नहीं छोड़ा। हमारे गोकुल में भी अब तक 4 घरों की किलकारी छीन चुकी है वो। न जाने नन्हे नन्हे शिशुओं से कौन सा बैर है उस राक्षसी को। मुझे तो अपने कान्हा की चिंता हुई जाती है। अरे तनिक धीरे बोल, यदि उस डायन ने सुन लिया तो। और नहीं तो क्या, कान्हा की आयु के बच्चों को ही मार रही है वो ससुरी। हमारे महाराज कंस कुछ नहीं करते, उनकी प्रजा पर ऐसा संकट आया है, कुछ तो उपाय करना ही चाहिए। अरे वो क्या कुछ करेंगे, उन्होंने तो स्वयं अपने 6-6 भांजों और 1 भांजी को जीता नहीं छोड़ा। कान्हा, महाराज कंस से तो ऐसी अपेक्षा करना ही व्यर्थ है। यशोदा बहन ठीक कह रही हो। रोहिणी बहन देखो ना, जो अपनी ही सगी बहन के साथ ऐसा अत्याचार करे वो भला दूसरे की पीर क्या समझेगा। और नहीं तो क्या। अच्छा ये तो कहो, देवकी बहन का कोई समाचार मिला, कैसी है? और वो अब कैसे होंगे वो दोनों, ये तो तुम समझ ही सकती हो। महाराज कंस ने उन दोनों से। अरे मालती कहो। कुछ नहीं यशोदा बहन,
बस चली आए कान्हा को देखने। हाँ हाँ, देखो ना, वो खेल रहा है पालने में। बस तनिक सी चिंता लगी थी। अरे रे रे रे, कैसा निहार रहा है, किसी की हाय ना लगे मेरे लल्ला को। आहा, अले ले ले ले, मेरा बच्चा। यशोदा बहन, यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो तनिक इसे घर ले जाओ। क्यों? वो हाँ, मेरे घर पाहुने आए हैं ना, इसलिए उन्हें दिखा लाती हूँ। आपत्ति तो नहीं है मालती, परंतु मालती, कान्हा कभी भी रोने लगेगा। चिंता ना करो, रोएगा तो मैं तुरंत वापस ले आऊंगी। अरे अरे सुन तो। बस अभी गई और अभी आई। देखो तो कैसा करती है। चिंता ना करो, अभी ले आएगी। ये मालती कान्हा को लेकर अभी तक नहीं आई। आ जाएगी, कान्हा का मन रम गया होगा वहाँ। कैसी हो यशोदा बहन? अच्छा, रोहिणी बहन भी यही है। ओह, ये क्या कह रही हो, कान्हा कहाँ है? कान्हा, उसी को तो देखने आई हूँ। ये क्या कह रही हो, कान्हा को तो तू ही ले गई थी अपने साथ। मैं ले गई थी? ये क्या कह रही हो, मैं तो अभी आई हूँ। किसी को ये तो अच्छा हुआ, किसी ने मार डाला इसे। कुछ हो जाता तो कलंक लग जाता मुझ। आ गए नंद महाराज, देखो आ गए, आ गए। क्या हुआ, क्या हुआ? कान्हा, कान्हा, कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया बिल्कुल ठीक है, परंतु ये हो, ओ, ये तो कोई माया भी लगती है। इसका अर्थ ये हुआ कि देवकी और वसुदेव की शंका उचित ही थी, इसे अवश्य ही कंस ने भेजा होगा। क्या हे लीलाधर, मेरे बालक की रक्षा करना। मां की ममता बलिहारी है देवकी, वो तो स्वयं नारायण है, उनकी रक्षा के लिए चिंतित होने की क्या आवश्यकता। ये आप नहीं समझ पाएंगे मुनिराज, क्योंकि आप माँ नहीं है ना। धन्य है देवकी, ये तुम्हारी तपस्या का ही फल है, जो कि स्वयं भगवान विष्णु की माता होने का तुम्हें गौरव प्राप्त हुआ।
गर्गाचार्य जी, हमें तो पहले से ही आशंका थी कि कंस अवश्य ही कृष्ण को क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। पूतना को उसी ने भेजा होगा। परंतु भ्राता कंस को तो संभवतः अभी ये ज्ञात ही नहीं होगा कि मेरा बालक यशोदा के यहाँ है। हाँ, अभी तक उसे ये ज्ञात नहीं है और इसीलिए उसने कितने ही निरपराध अबोध शिशुओं की हत्या करवा दी। हे भगवान, मेरे भ्राता कंस को कब सद्बुद्धि दोगे, कब दोगे? इसी से चिंतित होकर हमने नंद महाराज को सतर्क रहने की चेतावनी दी थी मुनिराज गर्ग। तो आप हमें आकर हमारे पुत्र की सूचना देते रहिएगा। हाँ, क्योंकि नंद जी का बार बार यहाँ आना शंका का कारण बन सकता है। आप लोग निश्चिंत रहें, जब तक स्वयं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा न होगी तब तक कंस ने नहीं ढूंढ पाएगा। इतना समय व्यतीत हो गया परलंबासुर, अब तक ना तो तुम एक बालक को ढूंढ सके और न ही पूतना की हत्यारे को। महाराज, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पूतना जैसी महाबलशाली और मायावी राक्षसी का वध किसने किया और अनायास कहां चला गया। महाराज, स्वयं गोकुलवासी भी आश्चर्यचकित हैं कि पूतना का वध किसने किया। केवल इतना ही ज्ञात हो सका है कि वहां एक बालक खेलता हुआ मिला था। तो ठीक है, गोकुल में जितने भी बालक हैं उन सभी को समाप्त करवा दो। क्षमा करें महाराज, आपके राज्य में लगातार हो रही शिशुओं की हत्याओं से आपकी कीर्ति और यश पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। प्रजा आपके विषय में प्रजा हमारे विषय में क्या सोचती है इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। पर लंबा सोर, मैं आपका मंत्री हूँ, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस विषय में शांति से विचार करें। तुम ठीक कह रहे हो, अब हमें शांति के साथ युक्ति का भी सहारा लेना चाहिए। शक्तासुर, आज्ञा करें महाराज। पूतना के वध के लिए जिस पर भी शंका हो उसे समाप्त कर दो, परंतु छल से, बल से नहीं। को बताता हूं। भैया भैया, चलो देखो कन्हैया क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? अरे मुट्ठी भर भर के धूल फांक रहा है। अरे बलराम, तूने रोका क्यों नहीं? मैंने तो रोका पर मानता ही नहीं है। चल चल तो देखती हूँ। कन्हैया, क्यों रे, क्या तू मिट्टी खा रहा है? नहीं। हाँ, इसने मिट्टी खाई है मैया। हाँ, मैया देखो तो इसके मुंह में। देखूं तो ये हाथ में मिट्टी भरे हैं। तो बलराम ठीक कह रहा है कि तू धूल और मिट्टी खा रहा है। नहीं मैया, मैं क्यों मिट्टी खाऊंगा? मिट्टी तो गंदी लगती है, मैं कभी मिट्टी नहीं खाता। तो क्या ये सब बच्चे झूठ बोल रहे हैं?
और तेरे बलदाऊ ने तो स्वयं तुझे मिट्टी खाते देखा है। हाँ मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें विश्वास ना हो तो देख लो। ला, दिखा, खोल तो मुँह, और खोल। कृष्ण को कुछ कहा ही नहीं। हाँ, मैया ने तो इसको कुछ बोला ही नहीं। जब मैंने मिट्टी खाई नहीं, बे मैया कुछ क्यों खाएगी? आज गोकुल में अवश्य ही कोई बात लग रही है। आज अच्छा अवसर है महाराज कंस को प्रसन्न करने का। अरे भाई, ये जहाँ क्या किसी का विवाह है? परदेसी लगते हो, इसलिए ऐसा पूछ रहे हो। अरे, ये तो हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अच्छा? हाँ हाँ, जाओ, तुम भी जाओ, दान ग्रहण करो और कन्हैया को आशीर्वाद दो। अवश्य अवश्य आशीर्वाद दूंगा। भैया, आज मेरे को इतना क्यों सजा रही हो? आज मेरे लल्ला का जन्मदिन है ना, इसलिए पूरा गोकुल तेरे जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आया है। और बाहर खड़ी गौ ब्राह्मणों को दान की जाएंगी। और वो जो बस चल, जल्दी चल, यज्ञ शुरू हो रहा है। मैया, मेरे को तो भूख लगी है। अच्छा यशोदा, चल लल्ला। यशोदा। हाँ हाँ, आओ कन्हैया को ले आओ, यज्ञ का समय हो गया है। किंतु मैया, ओम पवन देवताभ्याय नमः। ओम पवन देवताभ्याय नमः। दाहिने हाथ में जल ले लीजिए, अब पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अक्षत चंदन ले लीजिए। कान्हा के जन्मोत्सव का कितना भव्य आयोजन किया है नंद महाराज ने। मुनिराज, कान्हा तो सो गया। कोई बात नहीं, उसे वहाँ छाँव में लिटा दो। सब तो मेरा जन्मदिन मनाना है, मंजिली खा ले। और मैया ने मुझे भूखा सुला दिया। मैया को मेरी चिंता नहीं है, मेरी ये गुस्सा हो रहा है और मैं भूखा पड़ा हूँ। मेरी तो कोई सुनता नहीं है।
कन्हैया, कन्हैया। हमें तो लगता है कन्हैया जब पांव उठा रहा था तब उसी का पैर लग गया। अरे कैसी अनहोनी बात करते हो भैया, इतना सा बालक है वो। हे भगवान, आज तो तूने बचा ही लिया मेरे लाल को। पीले मेरे लाल, पीले दूध, पीले भूख लगी थी ना तुझे। अब कैसे दूध पिला ली है? उस समय कहा भूख लगी है तो सुनना नहीं, लेकिन मैं बैठ गई। अरे देख क्या रहा है पीले लल्ला। देवकी, तुम अकारण ही चिंता कर रही हो। हमारा बालक निश्चित ही सुरक्षित होगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो, परंतु न जाने क्यों मेरा हृदय कह रहा है कि कुछ न कुछ तो अवश्य हुआ है। मन को शंकित ना करो। नारायण नारायण। वसुदेव, माता के मन की शंका कभी निराधार नहीं होती। मुनिवर नारद, प्रणाम। प्रणाम मुनि श्रेष्ठ। क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरा कृष्ण? अधीर ना हो देवी देवकी, कृष्ण बिल्कुल सुरक्षित है। परंतु कंस ने एक और प्रयास किया था। तो क्या कंस को ज्ञात हो गया कि? नारायण नारायण। कंस ने शक्तासुर को भेजा था पूतना का वध करने वाले को मारने के लिए, परंतु अब कंस उसकी भी मृत्यु का शोक मना रहा हो। देवर्षि, मुझे अपने पुत्र की बहुत चिंता हो रही है। नारायण नारायण। समस्त संसार की चिंता करने वाले के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है देवी। वो लीलाधर तो पृथ्वी पर अवतरित ही हुआ है लीला करने के लिए, अभी भी अपनी बाल सुलभ लीला में व्यस्त होगा। रख वहां, ये क्या कर रहा है? तू बहुत नटखट हो गया है, चल जा, मैं तुझसे नहीं बोलूंगी। भगवान का पूरा प्रसाद झूठा कर दिया, अब मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा। शक्तासुर की मृत्यु संयोग भी हो सकती है। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो पदलम्बासुर?
जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शक्टासुर मायावी राक्षस था और जहाँ उसकी मृत्यु हुई वहाँ वैदिक मंत्रों का जाप और यज्ञ हो रहा था। हो सकता है कि परंतु पूतना का वध, क्या वो भी ऐसा ही संयोग होगा? नहीं, परलंबासुर, तुम अभी सेनापति को आदेश दो कि गोकुल पर सेना लेकर। नहीं महाराज, ऐसा करने से पूतना द्वारा मारे गए शिशुओं की हत्या का संदेह आप पर हो सकता है। ऐसा हो सकता है। मैं तो कहता हूँ महाराज, हमें इस कार्य के लिए महाबलशाली तृणावर्त को भेजना चाहिए। यही ठीक होगा। तृणावर्त, मैं उपस्थित हूँ महाराज। तृणावर्त, तुम अभी इसी समय गोकुल के लिए प्रस्थान करो और पता करो कि पूतना और शक्टासुर के वध के लिए कौन उत्तरदायी है। जिस पर भी शंका हो उसे अपनी मायावी शक्ति से समाप्त कर दो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ये इतनी अधिक वायु क्यों चल रही है? मैया, मैया मेरे को नीचे उतार दो ना, मैं पापा चलूंगा। नहीं, देख नहीं रहा कितने अधिक वेग से वायु चल रही है? अच्छा, मेरी प्यारी मैया समझती है कि मैं कोई कपास का पुष्प हूँ जो वायु के फेर से उड़ जाऊंगा। अरे ये क्या, ये कन्हैया इतना भारी कैसे लगने लगा? मैया भारी लग रहा हूँ? हाँ। तो नीचे उतार दो ना, अब मैं पवन के वेग से नहीं उड़ूंगा। ले, अरे मैं कोई इस डर से थोड़े ना तुझे गोद में लिए थी। मैं तो सोच रही थी तू पैदल चलेगा तो थक जाएगा। नहीं नहीं मैया, नहीं ना, मैं पाँव पाँव चलूंगा। कन्हैया, कन्हैया, हे भगवान, कहाँ गया मेरा पुत्र? कन्हैया, कन्हैया, कृष्ण, लल्ला, कन्हैया, कान्हा। अरे को ढूंढो तो, कान्हा कहाँ चला गया? अभी तो यही था। क्या भाई हो रहा है? तो तू है कान्हा, पूरे गोकुलवासी तेरा ही नाम लेते हैं। बड़ा मनमोहना है, बड़ा चमत्कारी बालक है। तूने ही मारा होगा पूतना को। हंसता है। अरे मूर्ख, तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुझे मारने वाला हूँ? और तुझे भी समझ में नहीं आ रहा है तेरे संग क्या होने वाला है? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। Ha 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 ha
हे भगवान, ये तो कोई राक्षस लगता है। इसी ने हमारे पुत्र को उठाया होगा। परंतु मेरा लाल कहाँ है? हे भगवान, उसकी रक्षा करना। मैया हूँ मैया। कृष्ण, मेरे पुत्र, तो ठीक तो है ना? परंतु पुत्र कृष्ण, तुम वहाँ कैसे पहुँचे? लो, मैं क्या बताऊँ? बताओ पुत्र, क्या इसने तुम्हें मारने का प्रयत्न किया? बाबा, जैसे ही भगवान की गति बढ़ी ना, इन्ने मेरे को पकड़ लिया। ये दौड़ा, मैं भी दौड़ा। इन्ने मेरे को शक्ति से पकड़ लिया। मैं डर गया, मैंने भी इससे पकड़ लिया। तो ये गिर पड़ा और मैं बचक के उधर पहुंच गया। बस हो ना हो, इसे भी कंस नहीं भेजा होगा। परंतु इतने विशाल काय राक्षस से काना बच कैसे गया? नारायण नारायण। नंद जी, आप तो सत्य जानते हैं, फिर भी आप इस तरह चिंतित हो रहे हैं। देवर्षि, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ। परंतु ये मेरे पास देवकी और वसुदेव की धरोहर है, इसीलिए इसके विषय में चिंतित हो जाता हूँ। क्योंकि कंस के पास भी एक से बढ़कर एक मायावी और आसुरी शक्तियाँ हैं। नारायण नारायण। नंद जी, ये सब उस चक्रधारी की लीलाएं हैं, आप तो बस देखते जाएं। नारायण नारायण। हम तो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे देख रहे हैं। एक के बाद एक हमारे एक एक बलशाली योद्धाओं की मृत्यु हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। परंतु महाराज, हम कर भी क्या सकते हैं, जबकि हमें ये भी ज्ञात नहीं कि हमारा शत्रु कौन है। केवल एक ही शत्रु है हमारा, वो पाखंडी धूर्त विष्णु, पूतना, शक्तासुर और त्रावृत, इन सब का वध उसी विष्णु ने ही किया होगा। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार तो ऐसा नहीं लगता महाराज, क्योंकि इन तीनों के वध के समय वहाँ केवल एक बालक। बालक? अवश्य ही ये उस बालक का ही कार्य होगा। समाप्त कर दो उसे। नारायण नारायण। आइए देवर्षि आइए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? महाराज कंस जैसा वीर योद्धा एक बालक से भयभीत हो गया। मुनिराज, कंस ने भयभीत होना नहीं सीखा। नारायण नारायण। तो फिर किस बालक को समाप्त करने को कह रहे थे महाराज? वो बालक नहीं, अवश्य ही आपका वही विष्णु है, जिसका आप दिन रात जाप करते रहते हो। नारायण नारायण। वो अपनी माया से मेरा वध करना चाहता है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज कंस? यदि चक्रधारी विष्णु अपनी माया से आपका वध करना चाहते तो क्या अब तक आप जीवित रह पाते? क्या कहा देवर्षि? नारायण नारायण। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान विष्णु पर क्रोधित क्यों होते हैं? क्योंकि आकाशवाणी के अनुसार आपका वध तो देवकी का आठवां पुत्र ही करेगा। आठवां पुत्र? नारायण नारायण। कहा है देवकी का आठवां पुत्र? लल्ला, जाओ कुछ अनाज ले आओ और जो चाहो ले लो। अच्छा ठीक है। क्या करूं?
दूं? दूध दही तो समाप्त हो गया। माखन मैंने बल्लू ने खा लिया, जो बच्चा था वो बंदर को खिला दिया। लल्ला, लाओ लल्ला, क्या ला रहे हो? हाँ पापा, अनाज के बदले वस्तु लेते हैं, यही दे देता हूँ। लो अब हम दो। बस इतने से दाने? चल कोई बात नहीं लल्ला, तेरा ऐसा सुंदर मोहक रूप देखने को मिल गया, इसी के बदले में तू ये आम ले ले। ये क्या? ये मेरे से पेन का फल है। गोकुल धाम ब्रज का वासी, कान्हा नंद किशोर। Oh,
काना, काना छोड़ दो, छोड़ दे काना, अरे नहीं तो गिर जाएगा तू काना। हाँ हाँ, काना को बिल्कुल डर नहीं लगता काना को। गाना छोड़ नहीं तो मैया से कह दूंगा। अरे बलदाव, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। गाना, अरे देखो देखो, गैया भी कैसे भागी जा रही है। लगता है जैसे काना को नहीं गैया को डर लग रहा है। आओ बलदाव, तुम भी आ जाओ। नहीं मानता ना, तो ठहर, मैं जाकर मैया से कहता हूँ। क्या बलदाऊ, जब देखो तब मैया का डर दिखाते रहते हो। क्योंकि तू मैया के सिवा किसी से डरता जो नहीं। मैं मैया से क्यों डरूं? मैया तो मुझसे लाड़ करती है। देखो तो कैसा डीट है, हंस रहा है। अब भी गिर जाता और लग जाती तो मैया तो मुझे ही डांटती ना, कि मैंने तेरा ध्यान नहीं रखा। डर स्वयं को लग रहा है मैया से और डरा रहे है मुझे। तू इधर उधर क्या देख रही है री? एक दो दिन से कन्हैया कहीं दिखाई नहीं दिया। हाय दैया, अभी कल तो मेरे घर में घुस के पूरा माखन चट कर गया बलराम के साथ। सच? फिर तूने उसे मारा नहीं? मारती कैसे, पकड़ा तो कहने लगा तुम्हारे यहाँ माखन खुला रखा था इसीलिए खा लिया। हाँ, अब कभी कुछ खुला मत रखना। क्या? भर गया मन, देख लिया काना को। हाय दैया, मेरी तो मटकी भी फूट गई। अब तो इस कन्हैया का उलाहना लेकर यशोदा बहन के पास जाना ही पड़ेगा। कृष्ण, तुम बहुत नटखट हो गए हो। तुम्हारी बातों में आकर मैं भी तुम्हारा कहा मान जाता हूँ। मेरी बातों में आकर नहीं, ये कहो कि तुम्हें आनंद आता है। हाँ आनंद तो आता है, परंतु मैया से डर लगता है ना? हाँ, क्योंकि तुम मैया पर पता नहीं क्या जादू करते हो कि मैया तुम्हें तो कुछ नहीं कहती, मुझे डांट पड़ जाती है। इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ रखता हूँ। अब तुम हंस क्यों रहे हो? वो देखो बलदाऊ, सामने। कहाँ? अच्छा वो तो मालती मौसी की कन्या है मनिया। आओ मेरे साथ। नहीं देखो, आओ तो देखो। सुनो, अब कुछ उल्टा सीधा मत करना। कहाँ जा रही हो मनिया? घर जा रही हो और क्या, परंतु तुम मुझसे बात मत करो। क्यों, मैंने क्या किया? तुमने उस दिन मेरे बालों में माखन क्यों लगा दिया था? मैंने कहाँ लगाया था, वो तो माधो ने लगाया था। बलदाव से पूछ लो, ये कभी झूठ नहीं बोलते। आ? है ना बलदाव? हाँ। अच्छा तो ये बात है, मिलने दो माधो को। अच्छा मनिया, तुम जानती हो बलदाऊ एक चमत्कार जानते हैं? चमत्कार? कैसा चमत्कार? तुम्हारे नेत्रों के सामने से अदृश्य हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, कैसे? अरे कृष्ण, ये तुम ठहर, ये तो बलदाऊ। अच्छा तुम अपने नेत्र बंद करो, फिर बताऊंगा। अच्छा लो। शांत खड़ी रहो, नहीं तो चमत्कार नहीं होगा। ये तुम क्या कर रहे हो? आंखें खोलो, बोलो आंखें खोलो। देखो तो इसको। देखो तो इसको, कैसी लग रही है ये? काना कहाँ है? तुम जब हंस क्यों रहे हो? क्योंकि ऐसा अद्भुत रूप हमने पहली
पहली बार देखा है इसलिए। क्या? हाय दिया, हाय दिया। मैं अभी जाकर अपनी मैया से बताती हूँ। अरे यमुना में नहाने का आनंद ही कुछ और है, क्यों? सच कह रही है। अरे 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 वो देखो वो देखो, कमला और उसकी माँ। अरे कमला की माँ, तट पर खड़े खड़े क्या देख रही हो? आ जाओ, तुम भी आ जाओ। आ तो जाएं, परंतु कहीं कोई देख ले तो। अरे तो का केवल तुम्हें ही देखेगा, हमें नहीं देखेगा क्या? अरे कोई नहीं आता इस समय, आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। अच्छा तुम सब कहती हो तो आ जाती हूँ। चल कमला तू भी स्नान कर ले। कमला कितना शर्माती है ना। बड़ी मजा आ रही है। आजा आजा कमला आजा आजा। आजा आजा कमला आजा आजा। यही रखा, यही रख दो। अरे क्या देख रही है? कोई नहीं आएगा, घबरा मत। हम तो प्रतिदिन यहाँ स्नान करती हैं। आ जा जल्दी। आ जा, आ जा, आ जा। हाँ हाँ आ रही हूँ। अच्छा तो तुम लोग प्रतिदिन आती हो यहाँ? वही तो मैं कहूँ कि नित्य प्रति ये सब की सब एक साथ कहाँ चली जाती हैं? अरे मैया मैया क्या? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्लाए जा रही है? आजा ना। अरे मौसी वो देखो वहाँ तट पर हमारे वस्त्र नहीं है। क्या? देखा मैं ना कहती थी कोई आ जाएगा। अब क्या होगा? हमारे वस्त्र कहाँ गए? अरे कौन ले गया? ये अवश्य ही उस नटखट का ही काम है। कौन? कन्हैया? और नहीं तो कौन? तुम ठीक कहती हो मौसी, वो देखो वो बैठा है हमारे वस्त्र लिए। कान्हा 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 हमारे वस्त्र हमें वापस दे दो। कान्हा दे दो हमारे वस्त्र। कान्हा कान्हा मान जाओ। कान्हा पहले तुम मुझसे क्षमा मांगो। अरे किस बात की क्षमा, किस बात की? तुम लोग मेरा उल्हाना लेकर मैया के पास जाते हो, इस बात की? देखो हट ना करो कान्हा, वस्त्र वापस कर दो। हाँ तो बोलो अब कभी जाओगी यशोदा मैया के पास उल्हाना लेकर? देखो कान्हा, देखो ऐसा करना क्या तुम्हें शोभा देता है? बोलो तुम तो इतने अच्छे हो, कितने बड़े मुखिया के पुत्र हो। देखो जल कितना शीतल है, हमें ठंड लग रही है। कान्हा क्षमा मांग लो, नहीं तो कान्हा कभी हमारे वस्त्र वापस नहीं करेगा। हाँ कान्हा हम सब क्षमा मांगती हैं। अब हम कभी तुम्हारा उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास नहीं जाएंगी। हाँ तो ठीक है, तुम सब अपने अपने कान पकड़ो। लो, लो पकड़े कान। ठीक है कमला तुम भी पकड़ो। हाँ हाँ लो मैं भी पकड़ती हूँ। आश्चर्य है ये तो यहाँ देख भी नहीं रहा था, फिर इसे कैसे मालूम हुआ कि मैंने कान नहीं पकड़े? अब तो दे दो वस्त्र। लो कितनी कठिनाई से इसने हमारे वस्त्र वापस किए। चलो 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 आज तो बच ही गए हम। क्षमा न मांगते तो न जाने क्या हाल होता। ना हम यशोदा मैया के पास उल्हाना लेकर जाती, ना ये दिन देखना पड़ता। पर क्या करें, काना को देखे बिना मन भी तो नहीं भरता। यशोदा मैया को तो हमारा विश्वास ही नहीं होता। हाँ, देखो तो कितना उदंड हो गया है काना। हाँ हाँ भी अच्छी बात उदंड हो गया है। अब तो ये कान्हा का नटखटपन कुछ अधिक ही बढ़ गया है। औने दो आज देखती हूँ इसको। लगता है वो सब गोपियाँ कह गई हैं मैया को। मैया मैया क्या है, क्यों चिल्लाया जा रहा है?
बहुत भूख लगी है मैया। कुछ नहीं दूंगी तुझे, आज तूने मेरी नाक कटवा दी। अभी तक तो केवल गोपियों की मटकी फोड़ता था, माखन चुराता था, उपद्रव करता था, अब तू इतना निर्लज्ज हो गया है कि स्नान करते स्त्रियों के वस्त्र चुराने लगा। परंतु मैया मैं तो आज तेरी मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, रह भूखा रह। अरे उन गोपियों ने आकर तो मैया को सब बता दिया और मेरे सामने कान पकड़कर वचन दिया था कि हम मैया से कुछ नहीं कहेंगे। मैंने तो उनकी बात पर विश्वास करके वस्त्र लौटा दिए। मैं वस्त्र नहीं देता तो कैसे आती मैया के पास? मैया, ओ मैया, मैया मैया ना चिल्ला, जा जा दूसरों के घर, वस्त्र चुरा माखन चुरा। ये क्या, मैया तो अत्यधिक क्रोधित हो गई। तो ठीक है, पहले मुझे खाना तो दे दे, फिर क्रोधित हो जाए। ठीक है, मैं भी भूखा थोने न रहूंगा। ऐ, चला गया क्या? बड़ी शांति सी है, मैं भी कैसी बावली हूँ, आते ही क्रोधित हो गई। भूखा प्यासा आया था, खाना भी नहीं दिया। चलू देखो कहाँ गया। कान्हा, कान्हा, हाँ? ये क्या? अच्छा तो ये बात है, भूख के मारे रूठ गया मेरा लल्ला। कान्हा, 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 ओ लल्ला। अरे अच्छा तो मैं तेरी चिंता में मरी जा रही हूँ और तू यहाँ बैठा बंदरों को माखन खिला रहा है। चल चल तो। मैया 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 सुनो तो मैया, मैया 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 सुनो तो मैया। आज मैं तेरी एक ना सुनूंगी, बहुत उद्दंड हो गया है। तेरे उलाहने सुन सुन के कान पक गए हैं मेरे। कभी किसी के घर में माखन चुराता है, कभी किसी के वस्त्र चुराता है। अरे मैया अब तू किसे बांध रही है? मैं तो पहले से ही तेरे ममता के बंधन में बंधा हूँ। समझता है कि मैं तो मैया का लाडला हूँ, इसलिए मैया मुझे दंड नहीं देगी, है ना? अब जब तक मैं आकर ना खोलूं, रस्सी को खोलना मत, नहीं तो भोजन भी ना दूंगी। अब पड़ा रही यहीं पर। ठीक है मैया, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैया ने रस्सी खोलने के लिए मना किया है, परंतु कहीं जाने के लिए नहीं, मैं तो जाऊंगा। बलदाव, मनिया, माधो सभी इस समय खेल रहे होंगे और मैं यहाँ बंधा रहा हूँ, मैं तो जाऊंगा। इस उखल को खींचना कोई सरल नहीं है। मैया को तनिक दया ना आई मुझ पर? एक तो इतनी भूख लगी थी, खाना तो दिया नहीं, उल्टे उखल से बांध दिया। ठीक है अब देखना, पहले तो केवल मटकी फोड़ी थी, माखन बंदरों को खिलाया था, अब उससे भी अधिक उपद्रव करूंगा। अरे रेरी ये क्या कन्हैया, ये तुम्हें उखल से किसने बांध दिया? मैया ने। हाँ ये तो ठीक कहा, यशोदा मैया के सिवा और कौन बांध सकता है तुम्हें? क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम भी मुझे बांध सकते हो। क्या मैं? हाँ, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? हाँ वो तो करता हूँ। तो बस जो कोई भी मुझसे प्रेम करता है वो मुझे प्रेम बंधन से बांध सकता है। लाओ मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूँ। नहीं नहीं, ये रस्सी तो मैया ही खोलेगी। क्या? हाँ हाँ तुम चिंतित ना हो, मैया स्वयं आके रस्सी खोलेगी। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैया व्याकुल हो जाए और
कौन मेरी रस्सी खोलने के लिए मुझे ढूंढते ही आ जाए। चाल सा आ गया। हो सकता है वन में पर्वत से कोई बड़ी शिला गिरी हो। हाँ हो सकता है। कृष्ण कहाँ है? उसके लिए चिंतित ना हो, वो यही है। अच्छा हुआ मैंने उसे उखल से बांध दिया है। हे श्री कृष्ण, कुबेर पुत्रों का प्रणाम स्वीकार करें। देवर्षि नारद द्वारा श्रापित हम दोनों भाई आज धन्य हुए। देवकुल में जन्म लेकर देवगुणों से विपरीत गर्व और अहंकार के कारण हम दोनों कुबेर पुत्रों को देवर्षि नारद ने श्राप दिया था और हमारे पिता कुबेर की प्रार्थना पर श्राप मुक्ति का समय काल भी निर्धारित कर दिया था। भक्त वत्सल, आज आपने अपने प्रिय भक्त देवर्षि नारद के वचन को पूरा कर दिया। हम अति सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त हुई।